और ये जिला 39वीं जिला शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हो रही है। इसमें ब्यावर से भी है, अजमेर से भी है, किशनगढ़ से भी है, कुल मिला के 8 टीमें इसमें भाग ले रही है। महिलाओं की 4 टीम आपके सामने खेल चुकी है, 2 अजमेर की थी, 2 किशनगढ़ की थी। और यहाँ से खेल के ये जिला चैंपियनशिप खेल के इन्हीं में से जूनियर सब जूनियर सीनियर की महिला और पुरुष वर्ग आगामी स्टेट चैंपियनशिप में खेलने गएगी। मेरा परिचय तो घनश्याम शर्मा से है, किशनगढ़ से हूँ और खेल प्रेमी हूँ। और 2018-19 में जिला शूटिंग बॉल संघ अजमेर का पंजीयन सभी भाइयों की सहमति से और सबके मार्गदर्शन से करवाया था। और मेरे पास में जो खड़े हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष जिला शूटिंग बॉल संघ अजमेर। जिला शूटिंग बॉल संघ अजमेर के सानिध्य में किशनगढ़ में 40वीं जिला शूटिंग बॉल 2 दिवसीय चैंपियनशिप का आयोजन हाउसिंग बोर्ड क्लब किशनगढ़ के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग व महिला सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। लीग कम नॉकआउट नियमों के बीच सभी मैच खेले गए। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें किशनगढ़, ब्यावर, अजमेर सहित सभी ने बेहतर खेल प्रदर्शन दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ ठाकुर लेखराज जी राठौड़ सत्यनारायण जी दरगढ़ ने किया। शुभारंभ मैच बालिकाओं से शुरू हुआ, जिसमें नेशनल खेली हुई बालिकाओं ने उम्दा खेल प्रदर्शन किया। लगातार क्रम में सीनियर वर्ग के सभी मैच जारी रहे। घनश्याम शर्मा ने बताया कि खेल व खेलों के मैदानों को प्रोत्साहन देने व खेल सुविधाओं को खिलाड़ियों तक पहुंचाने हेतु यह प्रयास जिला शूटिंग वॉलीबॉल संघ अजमेर द्वारा हमेशा ही किया जाता रहा है। इस टूर्नामेंट में आने वाली सभी टीमों के लिए यहां पर अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था सत्यनारायण दरगढ़ द्वारा की गई तथा चैंपियनशिप व्यवस्थाओं में स्थानीय भामाशाहों और हाउसिंग बोर्ड क्लब किशनगढ़ का पूर्ण सहयोग रहा। आप देख रहे हैं आगाज के बाद में ओम प्रकाश नाज। Oh!
एक नंबर। शॉट यार, बहुत अच्छा आउट है। आप बाहर की बातों पर ध्यान दें। लगातार 18-10।